अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके खादम रिकॉर्डिंग पीटीवी, मेरे नाल साडे डायरेक्टर साहब मतलूब बलोच साहब ने, ते असीं तुहानू दरों दीवार दिखा रहे हैं। असीं लाहौर दा कल्चर ग्वाल मंडी लाहौर च खलोते हुए हैं, ते इंशाल्लाह असीं तुहानू जो जो रिकॉर्डिंग होगी थोड़ी थोड़ी इस करके विखाते रहेंगे। मतलूब बलोच साहब, कैसा जा रहा है जी आपके खादम? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। ते साडी पहले 13 किस्तां कंप्लीट हो रही ने। हाँ, कल आखिरी दिन की रिकॉर्डिंगे, उस तो बाद इंशाल्लाह फिर अगले से पहले 13 और करूंगा। ते अगले स्पेशल में फिर बुलाओगे ना? इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह साडे पीटी दे माशाल्लाह जिंदाबाद रहे। आई सीनियर आर्टिस्ट है, थैंक यू जी। हमारे लिए तो ये एजाज की बात है कि मेरे लिए भी खुशी नसीब दी गल है कि मैं मतलूब बलोच साहब नाल आज मेरा फर्स्ट डे है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बिजनेस की बात मेरे से मत कर।
क्योंकि मैं अपना 10 करोड़ रुपया दुबई 2 स्कीमों में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और मजे की बात तुझे बताऊ, 1 में से 5 करोड़ की घाटा पड़ गया और नहीं 10 करोड़ बच गया। दोबारा सर मैं हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो ताया नहीं ताया का ताया ही काम आ जाए, वो किराए पे चलाना है ना उनको। एक मिनट तुम ना तुम होल्ड करो, मुझे तवान वालों का फोन आ रहा है जी। कट चंदे के पैसे इकट्ठे करो जो बच जाएंगे, बाद में मेरी दवाइयां मंगवा लेना। वो दवाई तो आपकी वैसे भी आ जाएगी, आप बुजुर्ग हैं, सारे मोहल्ले के दवाई पाई है यार। उनसे एक बार मशवरा करते हैं क्योंकि वो पुलिस में भी रह चुका है। यार तेरी बात बिल्कुल ठीक है, वो एक दफा ना वो अगवा भी हो गया था और अंदर भी हो गया था वो। उसके पास तो काफी तजुर्बा है, वो निकल अंदर होने का। हां जी वो तो इतना था जी, जब वो अंदर हुआ ना उसने जमानत नहीं कराई, मोरी के रास्ते बाहर हो गया था। और ये मजाक का टाइम नहीं है, कुछ सीरियस सोचो। हां यार सीरियस हो जाए, थोड़ी जल्दी मर जाए, सीरियस हो जाए। हां तो हो गई बात, से भी बात हो गई। ओके जी कट एक्शन। वो ग्लास तो है नहीं, बाद में कौन धोता फिरेगा। अब देखे ना बीमारी के हजार जरा सीमा आप साथ लिए फिरते हैं। में बीमारियां है तुम्हें तो मतलब में कमांडो कमांडो कहते हैं। कमांडो ओ आजा मेरे बेटे। ओ भाई ओ ये क्या, इसमें कोई पटाखे को बम वगैरह तो नहीं है। एक्शन। अच्छा ताया मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैं रात को आऊंगा आपके पास। ठीक है मेरा पुत्र, ये बड़े बाद बच्चे हैं, मतलब में बच्चे हैं, मुझे तो तोहफे मलाने लग रहे हैं। और ताया इन्होंने कौन सी जरूरी बात करनी है। यार बात ये है कि नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा फिर बताऊंगा। एक्शन। और दीमे जी पलवान जी, और मेरा 70,000 रुपया लिख दे भाई। और 70 लिख ले जी, तुम्हारा 70 किलो के साथ है किलो, और आपका वजन भी तो साथ में लिखना ना जी। मेरे पहाड़ के साथ पैसे लेके आए अल्लाह के। हेलो जी, मेरे को सिर्फ 3,000 रुपया इकट्ठा होया। कोई बात नहीं, साथ जाके दुआ भी करनी है, रिहाई नसीब बहुत आए तो। अपनी सारी ज्वेलरी अपना सारा जेवर गिरवी रखवा के 3,00,000 रुपए लेकर आई हूँ। जेवर अपना गिरवी रखवा दिया? एक मर्तबा मुझसे तो पूछा होता रशीदा, मैंने भी यही मशवरा देना था। और आप रो रहे हो, ये खुशी के आंसू है? ये खुशी के आंसू नहीं है, ये मेरे अपने आंसू है। ये आपके अपने तो खुशी वाले किधर गए? नहीं यार बात ये है हैंड्रे साहब। कोई यार ताया जी शाकड़ 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 कोई ठोकर साहब, बात ये है आप ताया नहीं, आपको समझ नहीं बात क्या है। अपना कुकड़ साहब समझाओ बिच क्या रोगे, अब पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब खादम आ जाएगा। सानू प्यार गरम रोटियां मंगा के ते खरे ताया किथे रह गया। मैं क्या बड़े ताया
और जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर ना कहना इस खाने में पूरी नहीं पड़ी। तो मैं क्या, क्या बात है, सवेरे सवेरे इधर की हवा किसने चला दी जो आप अंदर आ गई? खैर है ना नदीमे, मैं तो जो ठाने आई थी कि जा जाके ताए को छुड़ा के ला। एक वही तो हम दर्द है जो मेरे शोर को ढूंढ के लाएगा। क्यों फिर मेरी तफ्तीश ने कैसा काम दिखाया? पकड़ा ना तेरा शौहर पीर बख्श, पुलिस ने पकड़ लिया इनके शौहर को। हाँ जी, वो क्यों जी? पूछे थे एक्शन, शौहर पकड़ा गया। चेहरे रुक जाओ, जागी तो नहीं हो अभी? बड़े ताया भी आ रहे हैं। हाँ जी, और खादम ताया भी आ रहा है। यार रोटी लगाई है? हाँ जी। ये यार पहले मुझे खाना खिला दे, फिर मैं दवाई खा लूं। अभी खाना खिलाते हैं, वो पुलिस नाश्ता लेके आ रही है अभी। अब नाश्ता नहीं होगा, चशन हो गई यहाँ पे। ये सारा चक्कर ना ये बीबीसी और इसके शौहर ने ना पीर बख्श ने उसने मिलके चलाया है। उसका शौहर है ना वो ताए को अगवा करके कई कामों की बड़ी दूर गांव में ले गया। इधर इसने मशहूर कर दिया कि वो अगवा हो गया है। उधर से ना पीर बख्श ने ताए के तवान के लिए फोन करना शुरू कर दिया। देखो ना, ताए के लिए तवान नहीं, ताई मांगनी चाहिए थी। पुलिस सवार कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में। ताया जी आप? जी ताए के ताया जी, बल्कि आपके ताया जी। ये सारे कौन है? तुम तेरी कसम ओए छत पड़े तू कुत्ता कुत्ता। ओ गधा, ओ देख कौन है? ये मेरा घर को बेवा मशीन लेने आई। हटे बेवा, और उठ के सलाम कर दिए तेरी काबले कतर आपरा काबले इत्राम ताई। अस्सलाम वालेकुम जी। काबले अदब से ज्यादा काबले नगद लग रही हैं। आ आ बैठो, बैठो बैठो ताई, बैठो ताई, बैठो ताई। ये ताई से ज्यादा ना मुझे अताई लग रही है। तो तुम्हें किसने कहा मैंने शमी में डाल दी कि शादी की है? अच्छा नेकबख्त, ये बदबख्त में मजाक करते रहेंगे, इनके मजाक की वजह से तुम मेरे दिल से उतर जाओ, ये मैं नहीं चाहता। चलो अंदर चल के बैठते हैं। आइए अपना खादम, मैं तेरी ताई को लेके जा रहा हूँ अंदर। तो कुछ तेज किस्म की मिठाई, जूस, यखनी, साथ में कोई फ्रूट और कोई खुश्क मेवा जात हो तो वो अंदर भिजवा देना। एक मिनट जी, आपने अंदर जाके ताई के सिर में थोड़ा मारना है? बकवास करता है, कैसे आइडिया देता है मुझे है? आओ आराम करें आप, आराम। आ जाओ आराम से, थे आ जाओ, लड़ेंगे अंदर जाकर मेरे साथ। आ जाओ पत्ता वाले, आ जाओ। एक्शन, इसका मतलब है ताया कोई गरीब मरीज नहीं है, करोड़पति करीबुल मर्ग ताया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है मेरे मालिक को खैर का चेहरा नहीं लगता रहता। हाय मैं मर जाऊं, बहुत गर्मी है। आपका मतलब क्या है? बंद टीवी की न्यूज कास्टर रखे हुए क्या मतलब होता है? और रखा किसको कहा तुमने? मैं रखा हुआ की है अपने मरने के लिए। चलो फिर उठाओ इसे। क्यों हमने मारा? और नहीं ताया बनता, उठा के उधर रखते हैं। अच्छा देखें यार, जन्नत में जाके भी यही मुझे मिली है।